नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और मैं एबी सर आज आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश का कोर्स प्लान फाउंडेशन कोर्स के लिए। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि आने वाले सोमवार से यानी मंडे से हमारा जो है फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको जो है कि हमारी जो कोर्स है उसकी टाइमिंग क्या क्या रहने वाली है और उसमें इंग्लिश की क्लास कब होने वाली है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारी जो है इंग्लिश की क्लास जो है वो कब होने वाली है। इंग्लिश की क्लास जो है आपकी 5 बजे जो है बिल्कुल ठीक शाम को होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा बाकी क्लासेस जो है उनकी टाइमिंग आपके सामने जो है इसमें दिया गया है, स्लाइड में दी गई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि आप देखते हैं कि कौन से टॉपिक जो है वो आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कवर कराए जाएंगे, पढ़ाते टाइम आपको कवर कराए जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक जो लिया हमने वो लिया है नाउन का। सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो है क्या है, नाउन का टॉपिक हमने लिया है। और नाउन टॉपिक जो है उसकी 2 क्लासेस ली जाएंगी जो कि कॉन्सेप्ट की होंगी, और इसके अलावा जो है 1 प्रैक्टिस की क्लास उसकी होगी और 1 ही मिक्स प्रैक्टिस की क्लास उसकी होने वाली है। तो इसके आगे हम देखते हैं आगे क्रम में जो है प्रोनाउन की भी जो है 2 क्लासेस होने वाली है कॉन्सेप्ट की, और एक एक क्लास जो है उसकी कॉन्सेप्ट उसकी जो है प्रैक्टिस की और मिक्स प्रैक्टिस की होने वाली है। और इसके बाद में अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ब, यानी जो कि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मानते हैं ग्रामर का हम जो है ये लेने वाले हैं हम जो है। और इसकी आपकी जो है 2 क्लास जो है कॉन्सेप्ट की होने वाली है, इसके अलावा 1 क्लास प्रैक्टिस की और 1 ही क्लास जो है आपकी होगी मिक्स प्रैक्टिस की, ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक जो आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भी जो है 2 कॉन्सेप्ट क्लास और 1-1 जो है इनकी जो है प्रैक्टिस क्लास आपकी होने वाली है। तो हम देख चुके हैं यहाँ तक जो है आपकी 2-2 क्लासेस जो है वो कॉन्सेप्ट की है, और बाकी जो आपकी जो है वो आपकी प्रैक्टिस और मिक्स प्रैक्टिस की क्लास होंगी जो कि आपके लिए बहुत ही जो है फायदेमंद साबित होने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो है इस क्रम में जो आपका अगला टॉपिक जो लिया गया वो है एडवर्ब का। एडवर्ब जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी जो है इसकी भी 2 क्लास जो है ली गई है आपकी कॉन्सेप्ट की, और 1-1 क्लास जो ली गई है वो आपको ली गई है वो प्रैक्टिस की और मिक्स प्रैक्टिस की, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो भी बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए जो बहुत ही जो है सहायक होने वाले हैं आपके सिलेक्शन में, तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं अगला जो आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है इस टॉपिक को भी जो है 2 क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा, और इसकी भी जो है 2 प्रैक्टिस की क्लास होंगी, यानी 1 प्रैक्टिस की और 1 मिक्स प्रैक्टिस की क्लास होने वाली है, ठीक है। इसके बाद में इससे जुड़ा हुआ टॉपिक जो है वो आपका है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो कि एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ ही है। इसकी जो है सिर्फ 1 क्लास ली जाएगी और 1-1 क्लास इसकी जो है प्रैक्टिस की और मिक्स प्रैक्टिस की हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है टॉपिक्स जो आपको कवर कराए जाएंगे इस कोर्स के दौरान, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए अगला जो आपका टॉपिक है डिटरमिनेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी लिए जो है इसकी भी 2 क्लासेस जो है आपके ली जाएंगी और 1-1 क्लास जो है इसकी क्या होगी प्रैक्टिस की आपकी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में और महत्वपूर्ण टॉपिक्स आ रहे हैं जो कि हैं वॉइस, टेंस और नरेशन, ठीक है। वॉइस, टेंस और नरेशन जो है इनकी भी क्या है 2-2 क्लासेस दी गई हैं कॉन्सेप्ट की, और इनकी जो है 1-1 क्लास जो आपको दी गई है वो दी गई आपकी प्रैक्टिस की, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस के बाद में जो है इनकी मिक्स प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसकी भी जो है आपकी जो है 1-1 क्लास जो है होने वाली है कोर्स में, ठीक है। अब इस स्लाइड में जो है इस पेज पर जो देखोगे आप अंतिम जो आपका जो टॉपिक है 12वां टॉपिक जो लिया गया वो लिया गया प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन जो है इसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो एग्जाम में पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हमने जो है 3 जो है कॉन्सेप्ट क्लास ली है, ठीक है, और इसकी 1-1 जो हमने जो है प्रैक्टिस और मिक्स प्रैक्टिस की क्लास ली है। तो इसके बाद में और बचे टॉपिक के लिए हम आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए अगली स्लाइड में कौन से टॉपिक लिए गए हैं। अगली स्लाइड में देखिए आपका 13वां टॉपिक जो लिया गया वो है कंडीशनल सेंटेंसेस का, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए हमने जो है लिए 1 क्लास कॉन्सेप्ट की और 1-1 क्लास जो हमने लिए हैं प्रैक्टिस की और मिक्स प्रैक्टिस की, ठीक है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लिया गया है जो कि क्वेश्चन टैक्स का है, जो बहुत ही जो है रेलेवेंट टॉपिक है। इसके लिए हमने जो है 1 दिन की जो है कॉन्सेप्ट क्लास ली है और 1-1 दिन की जो है इसकी जो है प्रैक्टिस और मिक्स प्रैक्टिस की क्लास होने वाली है। तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार से जो जरूरी टॉपिक जो है उनको हम जो है इस कोर्स के दौरान कवर करेंगे और आपको आपके लक्ष्य को पाने में मदद करेंगे हम जो, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। सुपरफ्लुअस यानी ऐसे कंसेप्ट एक्सप्रेशंस जो कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं उनके बारे में जो है, जहां गलतियां होती हैं सेंटेंसेस में, ऐसे एक्सप्रेशंस के बारे में जो है क्लास होगी। उसके लिए 2 कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं और 1-1 उसके जो है कॉन्सेप्ट के अलावा जो है
प्रैक्टिस और मिक्स प्रैक्टिस की क्लास लगने वाली है आपकी। तो इसके बाद में जो अगला टॉपिक हमने लिया है, सोलह टॉपिक जो लिया है, वो सेंटेंस अरेंजमेंट का टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल जो है आपके कंपटीशन में आते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है या अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो है, इसके कॉन्सेप्ट जो है हमने लिए दो, ठीक है, यानी दो क्लास जो है इसकी कॉन्सेप्ट की रहेंगी, ठीक है। इसके बाद में जो है एक एक क्लास जो है इसकी प्रैक्टिस की और एक मिक्स प्रैक्टिस की इसकी रहने वाली है, ठीक है। तो इसी क्रम में देखते हैं आगे क्या है। आगे वोकेबुलरी जो है आपकी, यानी कि जो शब्द ज्ञान है, शब्दों के बारे में ज्ञान जो है, इसकी क्लास जो है वो ली जाएंगी आपकी दो क्लास, ठीक है। इसके दो कॉन्सेप्ट क्लास ली जाएंगी और इसकी भी जो है एक एक आपकी जो क्या होगी, मिक्स प्रैक्टिस होगी। ये प्रैक्टिस जो है समय के अनुसार जो है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन दो क्लासेस जो है आपकी वोकेबुलरी की होने वाली है इसमें, जिसमें छांट छांट कर आपको जो है वर्ड्स दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है हमारी जो कॉन्सेप्ट की जो है 32 क्लासेस यानी कि 32 क्लास जो है पूरी होने वाली हैं, और इसके अलावा 17 जो है आपकी जो है प्रैक्टिस क्लास होने वाली हैं, और इसी क्रम में देखोगे आपकी 17 क्लासेस जो है आपकी होने वाली हैं आपकी मिक्स प्रैक्टिस की। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि टोटल जो हमारा जो है ग्रैंड टोटल जो है आपका पूरी 66 क्लासेस जो है, यानी 66 आवर्स की क्लासेस जो है वो आपको हमारी मिलने वाली हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में जो है आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, स्लाइड में देखते हैं कि भाई ये बैचेस जो हैं ये आपको किस कितने रुपए मिल रहे हैं। बहुत ही कम रेट में, यानी बहुत ही कम जो है रुपए में जो आपको ये बैच मिल रहे हैं, सिर्फ 1399 रुपए में जो आपको जो है डेडिकेटेड जो आपका टारगेट जो लाइव बैच है वो आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आप देखिए सामने। इसमें आपको मिलने वाला है टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज लेवल प्रैक्टिस, मिस लेवल प्रैक्टिस, लाइव चैट, लाइव पॉल्स, लाइव रैंकिंग, और इसके अलावा यही नहीं लाइव स्कोरिंग सिस्टम भी जो आपको मिलने वाला है। पीडीएफ की प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिलने वाली है इसमें जो है, पीडीएफ कॉन्सेप्ट क्लासेस की पीडीएफ मिलने वाली है, प्रैक्टिस की पीडीएफ क्लासेस मिलने वाली है आपको, रिकॉर्डेड वीडियोस, अगर मान लीजिए आप जो है क्लास मिस कर देते हो तो आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस की व्यवस्था भी जो है इसमें की गई है, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो जो है उनको भी आप क्या कर सकते हो, उनको भी एक्सेस कर सकते हो आप। इसके अलावा जो है डाउट सेशंस जो है वो आपके जो है होंगे, जिसमें अपने डाउट्स को आप जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अगला क्या है। अगला इसमें दिया गया है आपका एक और जो बैच दिया गया है, जो कि आपका जो है टारगेट का नोट्स बैच है, जो कि आपके लिए सोने पे सुहागा बनने वाला है, यानी कि आपके लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अगर ये बैच आप ले लेते हो तो आपका फायदा जो है वो दुगना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि जो है डेडिकेटेड बैच है एक प्रकार से, और इसमें जो कॉन्सेप्ट नोट्स दिए गए हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मिक्स मॉक टेस्ट इसमें दिया गया है, रैंकिंग सिस्टम जो है इसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है, रैंकिंग बताई जाएगी आपकी, नेगेटिव मार्किंग जो है कट ऑफ वगैरह जो है वो इसमें बताई जाएगी आपको, और ऑल इंडिया लाइव टेस्ट इसमें जो है वो आपको मिलता है, और इसके अलावा डाउट सेशन भी आपको जो है इसमें मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है ये कोर्सेज बहुत ही कम रेट में आपको जो मिल रहे हैं और आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं ये साबित होने वाले हैं। चलिए, तो इसके अलावा एक चीज़ बच जाती है, वो रहती है आपके डाउट्स, जो कि आप फ़ोन के द्वारा जो दूर करना चाहते हो बात करके, हमसे सीधे जो है चैट कर कर या बात कर कर जो है जिनको दूर करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आपके सामने नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और अपने डाउट्स को दूर कर सकते हो। तो इसके साथ ही जो है ये चीज़ें जो है आपको क्लियर कर देता हूँ मैं कि ये सब चीज़ें जो हैं आपको इस बैच के दौरान, इस कोर्स के दौरान मिलने वाली हैं। तो इसके साथ ही जो है मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और मिलते हैं आपसे सोमवार को यानी कि मंडे को इंग्लिश की क्लास में शाम को 5 बजे। थैंक यू।